अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये स्पेसिफिक ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो कि काफ़ी पूछ रहे थे कि उनके पास होस्टिंग या डोमेन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो वर्डप्रेस सीखना चाह रहे हैं। और वर्डप्रेस सीखने के लिए ऑब्वियसली बात है, डोमेन और होस्टिंग रिक्वायर्ड है। तो फ्री में डोमेन और होस्टिंग कहाँ से ले सकते हैं, और उस पर वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये आज हम देखेंगे। तो चले चलते हैं वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है हमारे पास अवार्ड स्पेस। सिंपल यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे फ्री वेब होस्टिंग का ऑप्शन आएगा। सिंपल आपने फ्री वेब होस्टिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ से मैं अपना ईमेल कॉपी कर लेता हूँ। मतलब जो भी आपका ईमेल है वो आपने यहाँ पे अपना जीमेल यूज़ कर लेना साइन अप करते हुए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग और वर्डप्रेस। ठीक है, यूज़र नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड सेटअप कर देता हूँ। सिंपल मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। और मुझे एक लिंक आना चाहिए मेरे इस जीमेल के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा, तो अगर यहाँ पे आपको वो लिंक नज़र नहीं आ रहा इसकी तरफ से, ये तो फिर आप स्पैम में देख लीजिएगा। स्पैम में नहीं है ये, डायरेक्ट इनबॉक्स के अंदर ही आ चुका है, और इस लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो हमारा अकाउंट है वो कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद हम इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएंगे। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करेंगे ये सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। मतलब आप अगर बिगनर हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप एक पेड होस्टिंग अफोर्ड कर सकें, ऑब्वियसली बात है पेड होस्टिंग एक अच्छी चीज़ होती है, उससे बगैर एक प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं चल सकती। लेकिन अगर आप सिर्फ लर्न करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस, तो आपके लिए ये बेस्ट है। आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और ईजीली आप इस तरह से फ्री डोमेन और होस्टिंग लेकर उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे मैं सिंपल ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो इसके अंदर हमारे पास वर्डप्रेस की ऐप हमें मिल जाएगी। यहाँ पे देखें कोई एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, मैं इस पे क्लिक करूँगा ब्राउज एंड इंस्टॉल ऐप्स, और सिंपल यहाँ पे जो है क्रिएट अ फ्री सब डोमेन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दूंगा या कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और इसको आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लेना। मैं एड वेब स्पेसिस कर देता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ। ओके, मेरी सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। सिंपल वर्डप्रेस पे प्रोसीड टू सेकंड स्टेप पे क्लिक कर दूंगा मैं, और यहाँ पे मुझे अपना एडमिन यूज़र नेम ये मैंने दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं अपना जो है पासवर्ड यूज़ कर लूँगा। और उसके बाद सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन कर दूंगा। ओके, यहाँ पे कोई चीज़ें जो हैं वो सही से फिल्ड आउट नहीं हुई हैं, तो यहाँ पे भी मैं वही पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, और अब इंस्टॉल करता हूँ। सिंपल इनको फिल करने के बाद इंस्टॉल एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो है हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये मतलब वर्डप्रेस हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके ऊपर आप अपनी फिर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। जो भी आप वर्डप्रेस का कोई कोर्स फॉलो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कंप्लीट वर्डप्रेस उसके ऊपर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जो भी आप सीख रहे हैं। ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक वर्डप्रेस होना चाहिए। लोकल होस्टिंग के ऊपर या लोकल लैपटॉप के ऊपर भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमने काम ऑनलाइन करना है और सारी चीज़ों को हमें इस तरह से ऑनलाइन पता होना चाहिए, डोमेन सब डोमेन और किस तरह से इंस्टॉल करना है, ताकि जब लाइव एक्चुअल सर्वर हमारे सामने आए तो हम उस पर ईजीली काम कर सकें। तो यहाँ पे हमारा जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देखें ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा विजिट माई वेबसाइट। तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट है हमारी, और इसके आगे मैं फॉरवर्ड स्लैश wp-admin इस तरह से लिखूँगा, तो मेरा ये लॉगिन पैनल आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, जो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था इंस्टॉल करते हुए वर्डप्रेस वो दूंगा। और यहाँ पे देखिए मेरा वर्डप्रेस जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, और अब मैं इसके ऊपर जो भी प्रैक्टिसेस अपनी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये मेरा फ्रंट एंड रहा और ये मेरा बैक एंड रहा। आई होप यू गेट इट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।